अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली अजमल। मैं माहिर नफ्सियात हूँ और जैसे कि आप सब जानते हैं कि माहिर नफ्सियात ज़हनी बीमारियों का एक्सपर्ट होता है, उसका इलाज करता है। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, जो कि ज़हनी सेहत और ज़हनी बीमारियाँ हैं। आप लोगों ने सेहत के बारे में तो अक्सर सुना ही होगा, इसके साथ साथ जिस्मानी सेहत और जिस्मानी बीमारियों के बारे में भी सबने सुना होगा कि ये जिस्मानी सेहत क्या है और जिस्मानी बीमारियां क्या हैं। हमें पता चल जाता है ना कि इस वक्त हम बीमार हैं या ठीक हैं, या हमारा कैसा जो है वो सेहत कैसी है। लेकिन एक जो चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा निगलेक्टेड है और जिसके बारे में नहीं हमें पता, वो है ज़हनी सेहत। कि जैसे हमें अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना है, वैसे ही हमें अपनी ज़हनी सेहत का भी ख्याल रखना है। और मैं आपको यहां पे एक बात बताऊं कि जिस्मानी सेहत में अगर खुदा ना खासा थोड़ी बहुत कभी कोई बीमारी आ भी गई है तो इंसान उसको बर्दाश्त भी कर लेता है और वो उससे ठीक भी हो जाता है। लेकिन ज़हनी सेहत का एक मसला ऐसा है कि जो अगर थोड़ा सा भी किसी की ज़हन में खलल पड़ जाए तो फिर उसके लिए दुनिया की सारी रौनकें, सारी आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, सारी आसाइशें, सारी आपकी जो आपको लाइफ ने दिया है, वो सारी चीज़ें बेमानी हो जाती हैं। अगर ज़हन नहीं ठीक तो कुछ भी आपकी लाइफ में ठीक नहीं है। सेहत का तसव्वुर, जिस्मानी सेहत का तसव्वुर ज़हनी सेहत के बगैर बिल्कुल बेमानी है। अब इस बात पे बात कर लेते हैं कि आया ज़हनी सेहत है क्या और ज़हनी बीमारी क्या है। ज़हनी बीमारियां बहुत सारी हैं, उस पे अलग से एक पूरी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आज ज़हनी सेहत के बारे में अगर बात करें और ज़हनी बीमारियों के बारे में जरा जनरली डिस्कस कर लें, तो देखें, ज़हनी सेहत आपकी ज़हन की वो हालत है जिसमें आप हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हो। अगर आप को बगैर वजह के कोई टेंशन रहती है या किसी वजह से ज़्यादा टेंशन है और आप अपने ज़हन को पुरसकून महसूस नहीं करते, आप अपनी लाइफ आपको उदास उदास और बेवजह सी लगती है, या अगर आपकी लाइफ ठीक भी गुजर रही है तो आप खुश नहीं हैं, आपको कहीं लगता है कि मैं पूरी तरह से अपनी जिंदगी नहीं गुजार पा रहा या पा रही, उसमें कोई ऐसी वजह नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़े मसाइल हैं, बल्कि ज़हन आपका कुछ ऐसा बन गया है कि आप ठीक तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप अपनी जो कैपेसिटीज हैं उनको बुरेकार लाते हुए पूरा काम नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, तो तब हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ ज़हनी सेहत में प्रॉब्लम है। और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि वो दौर अब नहीं है कि जब हम समझते थे कि जी सिर्फ ज़हनी सेहत या ज़हनी मरीज वही लोग होते हैं जो कि मेंटल असाइलम में होते हैं, जिनको दुनिया का इर्द गिर्द का पता नहीं चलता, वो उनकी हालत कोई बहुत नाजुक होती है, उनको कोई बांध बांध के रखते हैं। ऐसे भी होते हैं लोग, लेकिन ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आजकल जो दौर चल रहा है और उसमें जो ज़हनी सेहत और ज़हनी मसले की जो डेफिनेशन है वो यही है जो मैंने आपको बताई है। एक आम शख्स जो कि अपने रोज़मर्रा के काम कर रहा है, अपनी फैमिली में ज़िंदगी गुजार रहा है, अपने जॉब पे जा रहा है या बिजनेस कर रहा है, वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहा है, लेकिन वो ज़िंदगी में खुश नहीं है, वो उदास है, उसको ज़िंदगी में दिल नहीं लगता, वो ज़िंदगी को पूरी तरह से इंजॉय नहीं कर पा रहा, तो यकीनी तौर पे फिर उसको ज़हन में कोई मसला है। ज़्यादातर लोग आजकल ऐसे हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, बल्कि आजकल के माशरे में मोर देन 90% लोग ऐसे हैं, तो इसमें बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं। वो जो लफ्ज़ हम आमतौर पे पागल का यूज़ करते हैं, आप वो नहीं हैं। थोड़े बहुत ज़हनी मसले आजकल बहुत सारे लोगों को हैं। अगर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताई हैं आपको इसमें से कोई भी किसी भी किस्म का मसला है, या आप समझते हैं कि वो आप उसको खुद कोप नहीं कर पा रहे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आपको किसी माहिर नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा आप बताइए कि आपको किस चीज़ पे रहनुमाई की ज़रूरत है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाएं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।